स्टार्ट है। हाँ तो स्टार्ट रहने दो। तो टमाटर का बोटनिकल कोई बोलेगा नहीं, 15 मिनट सुनेगा, ठीक है। टमाटर का बोटनिकल नेम क्या है बताओ? लाइको परसिकॉन स्कुलेंटस। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 24। फल प्रकार गुच्छा में लगेंगे, बेरी कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिसका फल खाते हैं उसको गर्मी पसंद है, जिसको आप फल खाते हैं उसको क्या पसंद है, तो टेम्परेचर कितना होगा? 24 से 28। लाइकोपीन के कारण ये रंग कैसा होता था? लाल। कितने डिग्री पे सबसे अच्छा लाइकोपीन बनेगा बताओ? 21 से 24। कितने डिग्री के बाद बंद हो जाएगा? 28-30 डिग्री के बाद इसका निर्माण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लाइकोपीन क्या होता है बताओ? एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है? कोई भी फलों और सब्जियों में सबसे ज्यादा लाइकोपीन किसमें पाया जाता है? टमाटर में। लाइकोपीन जो होता है कैसा है? एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा वर्णक में पाए जाते हैं? वर्नी में, क्रोमोप्लास्ट में। किसमें पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। इतने सारे बेसिक पॉइंट। टमाटर के बीजों में अंकुरण नहीं होता है, उसके लिए दो एसिड का नाम बताओ, क्या नाम था? फेरुलिक अम्ल, और एक का नाम कैफिक अम्ल। एक का नाम कैफिक और दूसरे का नाम क्या था? फेरुलिक। इसके कारण टमाटर का बीज अंकुरित नहीं होते हैं। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बना था कि टमाटर का पूर्वज का नाम बताइए, तो लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम वर सेरेसिफॉर्मी, और सेरेसिफॉर्मी ही था चेरी टमाटर। एफएसओ के एग्जाम में आया था, चेरी टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या था? सेरेसिफॉर्मी। चेस मानी जो है लवण के प्रति क्या है? सहनशील। टमाटर की सबसे घातक बीमारी कौन था? लीफ कर्ल। किससे फैलता है बताओ? वायरस से। वायरस को ले जाने वाले कौन है? सफेद मक्खी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कीट पूछा जाए तो कौन है बताओ? कीट कीट कीट, लीफ कर्ल, सफेद मक्खी। टमाटर को ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएंगे? और इसमें रूट नोड और कुछ वेराइटी आपको याद होना चाहिए, 4-5 वेराइटी, जैसे पूसा रूबी, दिव्या, याद है ना ये सब, लाल मूर्ति, ये सब इंपोर्टेंट। दो तरह के ग्रोथ पढ़ाया था, एक का नाम डिटर्मिनेट, एक का नाम इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में सीमित ग्रोथ होंगे, इनडिटर्मिनेट में सीमित ग्रोथ नहीं होगा, ग्रीन हाउस में लगाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो हम करेंगे कौन? पोटैटो। किसके बारे में बात करेंगे? आराम से एक घंटा सुने, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे देखते रहो, सारे कहानी अपने आप होंगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगेगा आप नोट कर ले, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लगेगा मस्त रहे। चप्पल उपल खोल करके आराम से बैठ शुरू करता हूं, मजा आते हैं ऐसे। सुबह शाम जूता पहन के रहता हूं, खराब लगता है। कल से और सोच रहा हूं लोअर ट्राउजर पहन के आऊंगा। खान सर को कल देख लिया, खान सर अपने वीडियो में कल दिखा रहे थे लोअर कि देखो मैं ट्राउजर पहने, और वो भी दिखाए 150 रुपया के लाया हूं, 150 रुपया खरीद। सोचो रे कितना महान आदमी, कभी सीखो उन सबसे। अगर वो चाहे ना है एक एक मिनट में, तो आज उनके पास 100 करोड़ रुपए की इनकम होती होगी एक मिनट में, फिर भी वो आदमी 150 रुपये। इसको होते हैं अहंकार ना होना। हम तो 1,00,000 रुपये में पागल हो जाते हैं, नहीं हो जाते। चले शुरू करें, क्या टॉपिक है बताओ? आलू। आलू में पहली बात करें, जब भी ऐसा सब्जी देखोगे जिसका नीचे वाले भाग खाते हैं, जैसे कभी शकरकंद देखे हो, अरे हाँ या ना बोलते रहो, आलू देखे हो, रतालू देखे हो, अरबी देखे हो, पक्की बात, जमीकंद मैं दिखाया हूं क्लास में, दिखाया हो ना, जमीकंद भी देखा हूं। तो चले इस ये सब जितने आपने सब्जियों का नाम बोला, इन सब में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाए जाते हैं बताओ? और जानते हो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, तो दो रूप होंगे, किस रूप में पाया जाता है वो पूछ लेगा, फेरिना के रूप में। ये 3 स्टार लगाना। आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फेरिना के रूप में। किस में पाया जाएगा बताओ? फेरिना। अब बताओ, ये आलू का प्लांट है, और इस प्लांट में क्या बनता है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो निर्माण होते हैं वो किस रूप में? देखो आप, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में होंगे? ग्लूकोज। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? स्टोरेज अगर पूछ लिया जाए कि स्टोरेज किस रूप में होते हैं, तो स्टोरेज होते हैं मेरे डियर स्टार्च के रूप में। आप याद रखोगे,
अच्छा बताओ, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? मैं ज्यादा अगर एकदम सब चपाती 15 खा रहा हूं, चावल आधा केजी खा रहा हूं, अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा जमा हो रहे हैं, ये किस रूप में जमा हो रहे हैं बताओ? जंतुओं में, अरे जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में संचय होता है? ग्लाइकोजन। लेकिन पेड़ पौधे में पूछा जाए तो किस रूप में होते हैं? स्टार्च। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना। आप देखते होंगे कि जानवर जो होते हैं ना, वो स्टार्च को पचा लेता है आसानी से। कभी आपने गेहूं का स्ट्रॉ देखा है? गेहूं की कटाई की है ना, उसमें क्या है, पूरी डंठल में स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। इसको तुम खा करके देखना, भूसा जिसको बोलते हो, खा करके देखना, नहीं पचा पाओगे। जिस रूप में खाओगे ना, उसी रूप में बाहर आ जाएगा सुबह। थोड़ा सा भी इसका पाचन नहीं कर सकते हो, पर जानवर इसको पचा देता है। तो हमसे ज्यादा पाचन शक्ति उसकी मजबूत है या नहीं? है या नहीं? तो किस रूप में बताओ? स्टार्च। अब हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से समझें हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहला दो तीन पॉइंट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये तो आलू आपने नग्न आंखों से देखा होगा। आलू का फूल देख लो पहली बार, किस रूप में दिख रहा है? बैगनी कलर। किस रूप में दिख रहा है? बैगनी। और पहली बार आपको दर्शन करा रहा हूं आलू का फल। देख लिया? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। क्या दिख रहा है मेरे डियर? आलू का फल देख लो आप, क्योंकि खेत में तो कभी देख नहीं पाओगे आलू का फल, तो मैं यहां दिखा देता हूं। जीवन में एक बात ध्यान रखना कि जो तुम आलू खा रहे हो वो एक्चुअल में तना है। वो क्या है बताओ? क्या है वो? जो हम ट्यूबर खाते हैं, जो ट्यूबर हम खा रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या बताओ? तना। क्या है वो? तना। और ये आलू का बीज है। तो तीन चार पॉइंट तो यही तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब आप समझो कहानी को। आलू का हमने ट्यूबर लगाया, क्या लगा रहे हो? ट्यूबर। इसी ट्यूबर से आपने देखा होगा इसमें पत्ती लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे बताओ? यहां तक तो सारे लोग आलू का पेड़ देखा होगा, सब देख लिया। अब इसमें क्या लग रहे हैं? फूल। यहां के बाद हम देखते नहीं है, क्योंकि तुझे केवल मतलब किससे है बताओ? इस ट्यूबर से। इसी से मतलब है ना, ट्यूबर बनने के बाद खेत को हम खाली कर देते हैं। अब ट्यूबर को छोड़ दो, छोड़ने के बाद इसमें क्या लगेगा? फूल। और उस फूल में क्या लगेगा? फल। और ये फल लग रहे हैं कैसा? गुच्छा में। इसीलिए इसका फल प्रकार होगा मेरे डियर बेरी। क्या होगा फल प्रकार बताओ? टमाटर पढ़े, टमाटर का फल प्रकार क्या है? बेरी। और आलू का फल प्रकार क्या कहलाएगा? बेरी। फूलों का रंग देख लेना कैसा है? बैगनी। कैसा है? बैगनी। कहीं कहीं सफेद भी होते हैं, बैगनी। और बीज ये, अगर आप इस ऐसा, ये सत्य बीज है। कौन सा बीज है बताओ? अगर ट्रू बीज पूछा जाए तो कौन है? ये। और इसकी बीज दर आलू में कितना रखते हैं? 100 से 150 ग्राम। कितना रखते हैं? 100 से 150। लेकिन आलू ऐसा लोगे तो इसका कितना रखते हैं? 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बताओ एक क्विंटल में कितना केजी? एक क्विंटल में कितना केजी? एक क्विंटल बराबर कितने केजी? 100 केजी। तो इस हिसाब से आप समझ लेना, अगर ट्यूबर लगाओगे तो 20 से 25 क्विंटल हमें बीज दर चाहिए। और ये वाले बीज लगाएंगे, क्या ये बीज हमें मिलेगा गुरुजी? ना ना ना, ये केवल रिसर्च के लिए है। कहाँ है बताओ? RESERCH, रिसर्च, वैज्ञानिक के लिए है। किसके लिए है? हमारे पास ये बीज नहीं आएंगे। हमारे पास कौन सा बीज आएगा आगे दिखाऊंगा, ट्यूबर आएगा। तो ये एक और प्रश्न ऊपर ऊपर बनता है, ऊपर ऊपर वाले, ऊपर ऊपर बनेगा कि कौन ऐसा सब्जी का उत्पादन है जिसमें आधा खर्च, कितने खर्च बताओ? आधा खर्च लग जाते हैं बीजों में। किसान बेचारा परेशान होता है, आधा खर्च किसमें लग जाते हैं बताओ? बीजों में। आलू। कुल खर्च का 50% खर्च किसान का किसमें लग जाता है? इसका बीज खरीदने। अब बताओ कितना बीज खरीद के लाएगा? 20 से 25 क्विंटल। इतना बीज खरीद के लाएंगे और उसको हम खेत में क्या करेंगे? बुआई में उपयोग करेंगे। 40 से 45 ग्राम का आलू का ट्यूबर होनी चाहिए जो हम खरीद के लाते हैं। किसके लिए बताओ? बीज सीड। अब है ये ट्यूबर क्रॉप, मैंने बता दिया। बताओ पोटैटो को क्या बोलते हो हिंदी में? अरे जल्दी जल्दी बोलो, अब समय की कमी है, अब ट्रेन खुलेगा थोड़ी देर में। आलू।
अब ये क्या है बताओ आपका, शकरकंद। क्या है? शकरकंद। शकरकंद आधा ये हिंदी इंग्लिश में परेशान हो जाता हूं मैं। शकरकंद। चले टोपियोका, इसे क्या कहते हैं? कसावा। क्या है बताओ? मैंने बताया था सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए, 36% कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कसावा में। दो का याद रखना। आलू में कितना पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं 22.6 एग्जैक्ट परसेंट ये होते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो 22-24% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। याम जो हो गया इसे हम बोलते हैं रतालू। क्या बोलते हैं बताओ? रतालू। एलिफेंट फूट आम, इसको हिंदी वाले बोलते हैं जमीकंद। क्या बोलते हैं? जमीकंद। मैंने दिखाया था हाथी के पैर के जैसा। और तारो, ये कहलाता है अरवी। क्या है बताओ? अरवी। इसको और इंग्लिश में एक नाम कोलोकेशिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? कोलोकेशिया। इन सारे ट्यूबर क्रॉप जो होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? कार्बोहाइड्रेट। तो ये ध्यान रखना। इसको मैं ग्रुप में अब डलवा दूंगा तो आप वहां से भी लिख सकते हो। अच्छा कि जो थोड़ा नोट्स बढ़िया बनाना चाहते हो तो आप बना लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम लिखते नहीं हो। अब हम आलू के बारे में ऊपर ऊपर से कुछ बातें करते हैं, जरा देखें। इंग्लिश में ये देखना नहीं है, हिंदी में आपके सामने पेश कर रहा हूं। किंग ऑफ वेजिटेबल, अगर पूछा जाए वेजिटेबल्स का राजा कौन है, सब्जियों का राजा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सब्जियों का राजा कौन है? आलू। और सब्जियों की रानी की अगर बात पूछा जाए तो रानी है भाई साहब कौन? ये राजा रानी से क्वेश्चन बनते हैं। रानी कौन है? भिंडी। और भिंडी को बोलते हैं ओकरा। कई बार छोटे एग्जाम में यही आता है, भिंडी को क्या कहा जाता है? ओकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकरा। तो पुअर मैंस फ्रेंड्स, गरीबों का दोस्त भी कौन है? अरे इतना समझोगे, पुअर मैंस फ्रेंड, गरीबों का दोस्त कौन है? आलू। और पुअर मैन स्ट्रेंथ, यानी कि गरीबों की ताकत कौन है? आलू। फ्रेंड भी कौन है? आलू। ताकत भी कौन है? आलू। गरीबों का दोस्त कौन है? आलू। और गरीबों का ताकत कौन है? आलू। चले आगे। अगला, फोर्थ मेजर क्रॉप इन द वर्ल्ड, फोर्थ फसल, चौथी फसल है बताओ कहां? विश्व में। अच्छा, विश्व में प्रथम फसल की बात करें तो कौन है? प्रथम की बात करें, फर्स्ट करें तो फर्स्ट कौन है? गेहूं। फर्स्ट कौन है? गेहूं। सेकंड की बात करो कि सबसे ज्यादा, तो कौन है भाई? चावल। थर्ड कौन है विश्व में बताओ? थर्ड की बात करें तो वो मक्का है। कौन है? मक्का। और फोर्थ की बात करें, कौन फसल है जिसका चर्चा ज्यादा होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो कौन है? आलू। अब बताओ अपने देश में नंबर वन आलू, गेहूं या चावल? चावल। अपने देश में नंबर वन चावल, विश्व में नंबर वन गेहूं, विश्व में नंबर वन। अरे ज्यादा लोग क्या खाते हैं विश्व में? गेहूं खाते हैं। अपने देश में क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। ठीक है, अब आ गया पोटैटो इज डाइकॉट प्लांट, पढ़ा चुका हूं। अगर किसी का पत्ती ऐसा ऐसा होगा, इस तरह से होंगे, तो बताओ मोनोकोट होगा या डाइकॉट? पढ़ा चुका हूं ना पहले। अब बताओ आम ऐसा होते हैं, अनार ऐसा होते हैं, अब आलू इस तरह से होता है, टमाटर का पेड़ ऐसा होगा, बैगन का पेड़ ऐसा होगा, मिर्च का पेड़ इस तरह से होंगे, ये सब सारे डाइकॉट है। और डाइकॉट को बोलते हैं द्वि बीज पत्री। क्या बोलते हैं बताओ? द्वि बीज पत्री। कैसा प्लांट है ये? द्वि बीज पत्री प्लांट है। और रिच सोर्स है किसका? CHO को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ऊपर वाले सारे बिंदु मैं आपको करवा देता हूं। स्टेबल फूड है, कहां का? आयरलैंड का। आयरलैंड का, आयरलैंड का क्या है? स्टेबल फूड। स्टेबल फूड का मतलब समझते हो? स्टेपल फूड होते हैं, स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब कि हर एक में तुम्हें आलू मिलेगा। हमारे भी देश में कर देना चाहिए। अब देखता होगा घर में कोई भी सब्जी बनेंगे तो आलू तो रहेगा, कुछ भी बनाओ तो क्या रहेंगे? आलू। तो इसको बोलते हैं स्टेपल फूड। क्या बोलते हैं? स्टेबल। इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया की ये सब्जी नहीं है। अरे इंडिया में तो ये 300-400 साल पहले आया, उसके पहले आलू जानते भी नहीं थे भारत में कि आलू होते हैं। कब आया है बताओ? 17वीं सेंचुरी में। अभी कौन चल रही है? 21वीं। यानी 300-400 साल पहले की बात करें तो आलू यहां देखा ही नहीं था लोग भारत में। कहां से आया है बताओ? पुर्तगाल से। भारत में आलू कहां से आए हैं? पुर्तगाल। एक पॉइंट केवल आप लिख सकते हो, भारत में आलू, आलू का आगमन कहां से हुआ है? आलू का आगमन हिंदी में आप लिखोगे तो
ये हुआ है पुर्तगाल से, लिख लोगे पुर्तगीज से, ठीक है। 85% पोटैटो हमारे देश का कहां होता है जानते हो? नॉर्थ इंडिया प्लेन में। यहां से एक पॉइंट अच्छा है, उत्तरी भारत में अभी तो टॉपिक भी नहीं शुरू हुआ, उत्तरी भारत में 85% आलू का होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। 85% कुल आलू का कहां होता है बताओ? उत्तरी भारत। ये उत्तरी भारत है कहां? कौन कौन है उधर? चलो यूपी चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, बिहार वाले हिस्सा ले लो, राजस्थान भी हम इसी में अब जोड़ेंगे। कहां जोड़ते हैं? दो भाग में अगर हम बात करते हैं तो ये किस में आते हैं? मध्य प्रदेश, ये सब सारे हम बात करेंगे उत्तरी भारत। दो भाग में बात कर दो उत्तरी भारत, लेकिन समतली मैदान बोल दिया तो आलू का उत्पादन देख लो, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, ये मेजर रीजन कहलाएंगे। क्या इसका? किसके? आलू के उत्पादन का। करंट शेयर, अगर एग्रीकल्चर में कृषि में 100 रुपये का इनकम है तो देख लो अकेला आलू से कितना इनकम है, लगभग 2.86। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आलू, समझ में आ रही है? अगर हमारे देश में 100 रुपया इनकम हो रहा है कृषि से, कितने रुपये? 100, उसमें से 2.86 रुपये किससे मिल रहे हैं बताओ? आलू से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है या नहीं? है ना। अकेला एक फसल आपको दे रहा है लगभग 3 रुपया का इनकम, 100 में कितने रुपए? 3 रुपए। कौन दे रहा है बताओ? आलू। तो इसीलिए आलू बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इसका लीडिंग, लीडिंग फर्स्ट राज्य बताओ उत्पादन में। फर्स्ट राज्य की बात करें आप किस में? उत्पादन में। उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो कौन है बताओ? यूपी। कौन है? यूपी। उसके बाद कौन है? वेस्ट बंगाल। यूपी और कौन है? ये डेटा वाले पॉइंट ना आप छोड़ देना, डेटा वाले मैंने एक जगह पढ़ाया, डेटा हर साल बदलते रहते हैं, कभी वेस्ट बंगाल हो जाएंगे कभी यूपी हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना। लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री, अगर देश की बात करें तो फर्स्ट देश कौन है? देश में फर्स्ट कौन है? तो देश में फर्स्ट है चीन। कौन है बताओ? राज्य में कौन है बताओ? यूपी। और दूसरा कौन है? वेस्ट बंगाल। हमेशा कंफ्यूजन होंगे, कभी वेस्ट बंगाल हो जाएगा कभी यूपी हो जाएंगे, तो दो राज्य अपने लिख लेना इसे, यूपी और वेस्ट बंगाल। ऐसे देश में कौन है? चाइना। देश में कौन है? चाइना। अगला आ जाओ। अब हम आते हैं रसिस्टेंट टू लेट ब्लाइट, पछेते झुलसा के लिए रसिस्टेंट अगर बात किया जाए तो क्या नाम है इसका बताओ? सोलेनम डेस मिस, ऐसे ऐसे बोलना, डेस मिस सीएम, SIUM, सम नहीं, डेस मिस सीएम। ये किसके लिए है? लेट ब्लाइट रसिस्टेंट रूट स्टॉक की अगर बात करें तो ये सबसे हानिकारक कौन है बताओ? कौन सा बीमारी आलू को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा? वो कौन करेगा? पछेती झुलसा। कौन करते हैं? पछेती झुलसा। अच्छा ये टीपीएस, ये 3 स्टार लगाना, अभी मैं आपको पूरा टिक कराता हूं। टीपीएस, टीपीएस का पूरा नाम क्या है? सत्य आलू बीज। कौन सी बीज है बताओ? सत्य आलू बीज, ट्रू पोटैटो सीड को क्या बोलते हैं? बोटनिकली सीड प्रोडक्शन, यानी बोटनिकली टीपीएस को क्या बोलते हैं? बोटनिकल सीड। बस इतना, टीपीएस को बोटनिकल सीड बोला जाता है। टीपीएस को क्या बोलते हैं? बोटनिकली सीड। कौन है बताओ? टीपीएस। ये लिख लेना, ये बहुत बार पूछते हैं। टीपीएस को क्या बोलते हैं? वनस्पतिक बीज। बोटनिकली को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पतिक बीज। वेयर हाउस स्टोरेज छोड़ देना, चले आ जाओ। बेस्ट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में आलू को कितना डिग्री पे भंडारित करते हैं? आलू भंडारण, यहां से एक प्रश्न पूछेगा, कहां से पूछ रहा है बताओ? कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज में पूछा है तो कितने डिग्री पे? 2 से 4 डिग्री। कितने डिग्री की बात किया हूं? 2 से 4। उसके बाद एक और बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, पूरा नाम देखो, ऐसे लड़का सोचता है CIP, पर ये गलत करोगे तो इसलिए 2-3 स्टार इसको लगाते हैं। CIP का पूरा नाम क्या होगा? इसको जैसे है वैसे याद रखना, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। देखिए सी से शुरू हो रहा है, तुम तो सोचोगे सेंटर, आई का मतलब इंटरनेशनल,
का मतलब पोटैटो, गलत कर दोगे। ये पूछेंगे कि सीआईपी का पूरा नाम क्या है बताओ, ऐसे याद रखेंगे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, और ये कहां है, इंटरनेशनल है तो ये है लीमा में, कहां है लीमा, और लीमा कहां है पेरू में, कहां है ये पेरू, पेरू का नाम सुना है ना, ये सब देश है, ये नहीं कि समझ लेना गंगा राजस्थान में कोई जिला का नाम है, भीलवाड़ा के बगल में पेरू है, ऐसे नहीं। चले आगे, कर लिए काम, बेसिक बेसिक पॉइंट कंप्लीट हो गए, तब टॉपिक को हम शुरू करें, आगे की ओर बढ़े। लिख लिया इतना सारे पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट पहले करा देता हूं, अब देखो आलू शुरू करूंगा। तो अभी तक आलू शुरू नहीं किए थे सर, वो तो बेसिक पॉइंट चलते हैं कि ये सब चीजें कठिन शब्द आए ना तो घबराना नहीं है, उसको दो बार सुनाऊंगा मैं। कितने बार सुनेंगे वो? दो बार, एक बार तो सुना दिया, एक बार और। अब कहानी शुरू करते हैं, आ जाओ, ये सब आपके बुक में लिखे हुए, मस्त होके एकदम चलते रहना, बुक है ही आपके पास, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखो एंजॉय करो। आ जाओ, सब्जियों का राजा हो गए, एक बार बोल दिया तो कुछ दिमाग में आए, दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, कौन है आलू, आलू में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं बताओ, फायदा हुआ, और वो स्टार्च किस रूप में पाए जाते हैं, फेरिना के रूप में। पहली बार लग रहा होगा कम समझ में आया, अब और आ जाएंगे। ये जो आलू है इसकी आंखें निकल रही है, देखो निकल रही है ना, इसका मतलब ये आलू यूज होगा बुआई के लिए, किसके लिए यूज करेंगे, और बुआई को अंग्रेज लोग क्या बोलेगा, सोइंग, किसके लिए, तो इसकी वजन पूछ लेगा कि बताओ ये आलू का वजन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 40 से लेकर 45 ग्राम, कितने ग्राम का ये आलू होना चाहिए, 40 से लेकर अरे 50 ग्राम समझते हो या नहीं, पहले लाते थे ना दुकान उकान से लाते थे 50 ग्राम का वो नमकीन, गांव में ऐसा ही लाते हैं दोस्त मिल करके, 2 रुपया तू लाओ 3 रुपया मैं मिलाऊं, 50 ग्राम ही आना है, ऐसे आते हैं ना, तो 50 ग्राम का अनुभव हम लोगों को भारत वाले बहुत ज्यादा है 50 ग्राम का। अगला प्रवर्धन की बात करें, प्रोपगेशन, तो बताओ प्रोपगेशन किसके द्वारा, ट्यूबर, अच्छा इसकी स्पेसिंग कितना रखोगे, स्पेसिंग रखेंगे 60 तो रखेंगे रो से रो, कतार से कतार, और 20 कितना रखेंगे, प्लांट से प्लांट। अच्छा फ्रूट टाइप, फल प्रकार क्या होगा इसका, बेरी, जो गुच्छे में लगेंगे उसको क्या बोलोगे, बेरी। अच्छा इस आलू में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है बताओ, स्टार, और वो रूप कौन है, फेरिना, कौन सा है, फेरिना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब जो आपने देखा ये आलू दिख रहा है इधर आलू, इस आलू की डोरमेंसी को तोड़ना है, अब बुआई करने जा रहा हूं, तो बुआई करने के लिए मान लिया जाए ये आलू में तो चलो आंखें निकल रही है, किसी में आंख नहीं निकले, सोया हुआ आलू है, सोया हुआ है तो सुसुप्ता अवस्था में है, तो देखता होगा टीचर क्या करते हैं सोए हुए हैं, पानी दे देते हैं, अरे क्लास है, हाँ ठीक, डोरमेंसी टूट गया, ये आलू सो जाते हैं तो क्या करना है, पानी तो डालोगे, पानी डालोगे तो जानते हो स्टार्च ना अपना रूप चेंज नहीं करेगा, स्टार्च अड़ियल होते हैं, उसको पानी उनी से कोई मतलब नहीं, आराम से सोया हुआ है, तो इसको डालना पड़ता है थायो यूरिया से, किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे बताओ, तो लिखा होगा आलू की सुसुप्ता अवस्था डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करोगे, कितनी प्रतिशत घोल बनाएंगे, 1%, 3 स्टार लगा के लिखना। अब ये थायो यूरिया का उपयोग कहां कहां करते हैं, एक तो हम करते हैं कहां, आलू में, और एक करते हैं ग्लेडियोलस के कॉर्म के डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, एक हम करते हैं बेर की सीड की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, एक जगह और करते हैं बताओ कोई नाम, एक जगह थायो यूरिया और डालते हैं, जानते हो कहां, बल्ब में, बल्ब की डोरमेंसी को भी ब्रेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थायो यूरिया, लेकिन उसमें अंकुरण को रोकने के लिए हम यूज करते हैं मैलिक हाइड्राजाइड, किसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे जब पढ़ोगे ना तो अभी पहली बार 2-3 बार में ऐसे याद हो जाएंगे पागल। बताओ आलू में उपयोग करते हैं इसी थायो यूरिया का, कॉर्म क्या है बताओ, कॉर्म किसमें मिलने, ग्लेडियोलस में, ये फूल जब पढ़ोगे ना तो उसमें देखने को मिलेगा कॉर्म, बेर में भी आपको और बल्ब में, इतने जगह मिलेंगे आपको थायो यूरिया। अब कंद जो है, कंद यानी कि ट्यूबर, ट्यूबर की अच्छी ग्रोथ के लिए
टेम्परेचर कितना रखना है बताओ? टेम्परेचर रखना है 17 से 19। कितना रखेंगे टेम्परेचर? 17 से 19 का तापमान रखना है। अच्छा, वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं, फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं, वो सभी कहलाता है क्या? लॉन्ग डे प्लांट। क्या कहलाएगा वो? लॉन्ग डे। आलू का फल खाते हो या फल के अलावा? फल के अलावा। टमाटर का क्या खाते हैं? फल। बैगन का क्या खाते हैं? फल। मिर्च का फल, कुकरबीट्स का फल, लेकिन आलू का फल के अलावा, तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। इसको दिन, अब ये देखो आलू, इसकी वजन मैंने बता दिया, इसका वजन कितना होना चाहिए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कितना होना चाहिए? 45 से लेकर 50 ग्राम। कितना होना चाहिए? 45 से लेकर 50 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास इंपॉर्टेंट है, 32 डिग्री जब तापमान हो जाएगा ना, तो कंद यानी कि ट्यूबर का निर्माण बंद हो जाएगा। कितने डिग्री पे बताओ? 32। अगर टमाटर में पूछता है लाइकोपीन कितने डिग्री पे बंद होने लगेंगे बताओ, तो लाइकोपीन 28 डिग्री, ग्रेटर देन 27 लिखते हैं, पर आप तो 30 ICR क्या मानता है? 30। 28 डिग्री तक तो उत्पादन ही कर रहा है, बढ़िया, तो आप 28 के बाद ही रखना, कोई 26-27 लिख देते हैं तो लिखने दो उनको, तो 30 डिग्री के बाद कंद क्या हो जाता है? नहीं बनेंगे। आलू में क्या पाया जाएगा? रेशे और क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जानते हो जिसमें फाइबर होते हैं ना, वो पाचन में बड़ा फायदा करेगा, वे सब्जी आपको खाना चाहिए, जैसे भिंडी में फाइबर ज्यादा होते हैं, आप खाओ, लिख देता हूं फाइबर। फाइबर की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलता है? भिंडी में आपको, अमरूद में फाइबर अच्छा, इसलिए अमरूद खाना चाहिए, अमरूद फायदेमंद होते हैं। कटहल में फाइबर ज्यादा मिलते हैं, कटहल आपको खाना चाहिए। आलू में एफिड, ये दिख रहा है आपको एफिड, एफिड की क्रांतिक स्तर क्रिटिकल कितना होना चाहिए? 20 एफिड 100 पत्ती पे। 100 पत्ती पे अगर मैं आलू के खेत में ऐसे गुजरूं और 100 पत्ती में कितने एफिड दिख जाए? 20, तो आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी कि छिड़काव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? छिड़काव, माने कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कितने? 20 एफिड से ज्यादा दिख जाए तो। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। अब देखो ये प्रश्न आया हुआ है कि बताओ लीटियो वायरस किससे संबंधित है? ये जो वायरस है ये किससे संबंधित है बताओ? आलू से। किससे संबंधित है? आलू से। तो लीटियो वायरस किससे संबंधित है? आलू से, ये ध्यान में रखना। और इसका किसी भी वायरस की शेप पूछा जाए, आकृति, तो कैसी होती है? गोलाकार। अभी आपने देखा था कोरोना वायरस, वो भी कैसा है? गोलाकार। एड्स वायरस कैसा होता है? गोलाकार। अच्छा एक चीज बताना, तुम लोग एड्स देखा होगा, ज्यादा मनुष्यों को ही होते हैं एड्स, हम लोगों को ही होता है एड्स। एड्स किससे होते हैं? अरे वायरस की चर्चा चलेंगे, एड्स किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। मेन रीजन क्या है फैलने का? यौन संबंध मांगते हैं, पर ये मेन रीजन नहीं है, यौन संबंध मेन रीजन एड्स का नहीं है फैलने का। लेकिन एक प्रश्न दिमाग में कभी कभी आता है ना यार, कि भगवान ऐसा क्यों बनाए, एड्स हम मानव में ही फैलते हैं, कुत्ता भी तो कई सारे काम इधर उधर दुर्घटना करते रहते हैं, कुत्ता को एड्स नहीं होता है, हम लोगों को फट से एड्स हो जाते हैं। भगवान जानते थे इन चंडाल को रोको, नहीं तो ये सबसे पहले एड्स देखा गया अफ्रीका में 1984-85 में। इंडिया में तो नहीं, इंडिया में सबसे पहले एड्स हुआ था 1986 के आसपास, हाँ चेन्नई मद्रास आर में पहली केस आई थी 86 में। 16-17 साल भी नहीं लगा इंडिया नंबर वन हो गया एड्स में। ये बोला मैं इसमें क्यों पीछे रहूं, 2004 आते आते विश्व की सबसे ज्यादा रोगी भारत में देखा गया, 2004 आते आते, तो भारत सब में महान है, पागल नंबर वन है, इनकी तुलना आप नहीं करोगे। तो कल आपको सोच करके आना है कि एड्स क्यों होता है केवल मनुष्य को, इसका जवाब देना है। अरे भाई बाकी जानवरों में एड्स नहीं होते हैं, केवल मानव में ही एड्स होता है, कारण बताना है आपको, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। अब आ जाओ अगला प्रश्न, भंडारण क्या करेंगे इसका बताओ? भंडारण, स्टोरेज करना है आलू का, क्या करोगे? स्टोरेज। और आलू का स्टोरेज करेंगे तो कितना डिग्री पे कर रहे हैं बताओ? 15 से 20। ध्यान रखना अधिक समय तक आलू को भंडारित करना है तो कितने डिग्री पे करोगे? 15 से 20। लेकिन आपको मैंने बोला था कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज, और वो भी सीड प्रोडक्शन के लिए,
बीज उत्पादन के लिए अगर आपको करना है कोल्ड स्टोरेज में, तो कितना रखा था? 2 से 4, 2 से 3 डिग्री कोल्ड स्टोरेज के लिए। अब ये मिट्टी चढ़ाना क्या होता है, देखा है आलू, आलू लगाते हैं इस तरह से रिज पे, लगाते हो या नहीं? अब इस पे क्या चढ़ा देते हैं बताओ, मिट्टी। इस पे क्या चढ़ा रहे हैं? मिट्टी। तो इसको बोलते हैं अर्थिंग अप। क्या करते हैं बताओ? अर्थिंग अप। ये अर्थिंग अप कितने दिन के बाद चढ़ाते हैं मिट्टी? 40 दिन। 40 दिन के बाद उस पे आलू पे क्या चढ़ाते हैं? मेड़ पे मिट्टी चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं कितनी ऊंचाई तक चढ़ाना है बताओ? 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब अगला पॉइंट आ जाओ, सत्य आलू बीज जो समझना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है बताओ? सत्य आलू बीज। तो ये समझने की पॉइंट है, ट्रू पोटैटो सीड किसे कहते हैं गुरुजी। अब आप कहानी को समझते जाओ, हम सारे लोग मिलकर के कहां जा रहे हैं बताओ? शिमला। जो टॉपिक समझना है वो बात करें, ट्रू पोटैटो सीड किसकी बात कर रहे हैं बताओ? ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड का पूरा नाम, टीपीएस का पूरा नाम पूछ लेगा, क्या है? ट्रू पोटैटो सीड। जो जो प्रश्न बनते हैं, ट्रू पोटैटो सीड। और इसे कहते हैं वनस्पतिक बीज। क्या बोलते हैं बताओ? वनस्पतिक। बोटनिकली सीड किसे कहा जाता है बताओ? तो वो कहा जाता है टीपीएस को। किसको कहते हैं बताओ? टीपीएस को। ये दो प्रश्न आपके इंपोर्टेंट बनेंगे। और तीसरा जो प्रश्न बनता है ना, केवल जो पहले प्रश्न बनते हैं वो लिख देता हूं, इसका पूछेगा किसने ये दिया था कॉन्सेप्ट। तो ये दिए थे CPRI के ना डायरेक्टर है। कौन है? डायरेक्टर, CPRI के डायरेक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर रामानुजन। क्या नाम है? डॉक्टर रामानुजन। ये जो सर हैं, ये क्या थे? CPRI के डायरेक्टर। इनके पास हमने गया और बोला कि सर सारे बच्चे को दिखाना है। क्या दिखाना है? टीपीएस। क्या दिखाना है? टीपीएस। बोले ठीक है, अरे राम आ जाओ। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम क्या लिए थे बताओ? ट्यूबर। क्या लिए थे? ट्यूबर से इन्होंने क्या बनाया था बताओ? प्लांट। क्या बनाए? प्लांट। प्लांट में क्या आया हुआ है? पत्ती आए हुए है ना। अब देखो, अगर ये पत्ती आया हुआ है तो अगेन धीरे धीरे ये पत्ती तो ऐसा ही रहेगा, और इससे क्या बन रहे हैं यहाँ पे बताओ? ट्यूबर। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में स्टेम है। ये जो आलू खाते हो ये तना है। क्या है ये? तना। क्या है ये? तना। अब तुम क्या करते हो कि हम जो किसान आदमी है, हम किसान यहीं पे सेवाएं समाप्त कर देते हैं। कर देते हैं या नहीं? हम क्या करते हैं, इस आलू को यहां से काट देते हैं। देखा होगा, अरे गांव में देखा है, गर्दन ही उठा देते हैं, सारे पत्ती उत्ती काट देते हैं। काट देते हैं ना। ये पत्तियों को हटाना कहलाता है डीहॉल्मिंग। क्या कहलाता है बताओ? डीहॉल्मिंग। क्या है बताओ? डीहॉल्मिंग। डी का मतलब क्या होता है? हटाना। किसको हटाना? और हॉल्म का मतलब होता है वनस्पतिक भाग, या वनस्पतिक भाग। वनस्पतिक भाग पत्ती उत्ती को क्या कर देना? हटा देना। जैसे मैं आपको कुछ इमेज दिखा दूं, शायद आप उससे समझ जाओ डीहॉल्मिंग किसको करते हैं। देखो ये इस तरह से, ये पूरा खेत ऐसा होता है। गांव में देखा होगा ना, आलू पहले क्या था इसमें? आलू थे, और पूरी गर्दन हटा दिया, पूरी खेत साफ, अंदर ट्यूबर है केवल। अंदर क्या है? आलू। ऐसा देखे हो या नहीं? नहीं देखे हो तो कोई नहीं, अभी देख लिया तू। क्या है ये? क्या कहला रहा है बताओ? डीहॉल्मिंग। डीहॉल्मिंग समझ रहे हो? आप बताओ, अगर हम डीहॉल्मिंग ना करते, अगर डीहॉल्मिंग ना करते, हम तो इधर कर देते हैं। किसान लोग क्या कर देते हैं बताओ? किसान तो ये कर देते हैं, हमारे देश वाले तो ये अपनाते हैं। तो ये क्या किए इन्होंने? डीहॉल्मिंग नहीं किया। ये ट्यूबर था, ये ट्यूबर थे, ये ट्यूबर और ये पत्ती, और ये क्या है बताओ? पत्ती। केस टू ये बन सकता है ना। तो इन्होंने डीहॉल्मिंग नहीं किया, तो इस पेड़ में क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएंगे फूल। क्या बन जाएंगे बताओ? और ये रह जाएगा ट्यूबर, जो स्लाइड नंबर में आपको दिखा चुका हूं। कौन? फर्स्ट। कौन सी स्लाइड थी बताओ? फर्स्ट। समझ में आ रही बात है? अब इस ट्यूबर से क्या बन गया? फूल। और फूल से क्या बन जाएंगे? और फल के अंदर क्या होगा? बीज। फल के अंदर, और वो बीज यहां दिखा रहा हूं। समझ में आया? ये कौन सा बीज है? सत्य बीज है। कौन सा बीज है? कौन सा बीज है? ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट बताओ? रामानुजम। किसने दिया था? रामानुजम साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया।
लेकिन अब तो मुझे जब इसकी चर्चा किया तो इसे भी समझ लेते हैं। गुरुजी डिहॉल्विंग क्या होते हैं? तो डिहॉल्विंग देखो ये वाले भाग हटा दिया तो अब पेड़ कैसा बचा हुआ है बताओ? ये तो ट्यूबर लगे हुए हैं। आप यहां से देखो डिहॉल्विंग का मतलब क्या होता है, ये आलू और यहां पे ये क्या है पत्ती, ये क्या है पत्ती, और यहां से इसको कट कर दिया। कर दिया? अरे किया या नहीं? तो ये कैसा बचा हुआ है, ये कटा हुआ, और यहां पे ये क्या है ट्यूबर, ये क्या है, ये खेत ऐसा दिख रहा है आपको। ये ऊपर वाले जो आलू उलू थे उसको जानवरों के चारा के लिए गांव में बोलते, अरे मेरे घर मेरे खेत से जा 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 आलू निकाल ले। सब किसान खुश होके जाते हैं, एकदम हसिया लेके गया, काट काट के लाया, तीन चार दिन चारा हो जाते हैं, गांव में मस्त हो जाता है ना। तुम्हें तो लगता होगा यार ये बड़ा दानी है, नहीं लगते ऐसे ऐसे में कभी? गांव में तो यही लगता है यार ये अपना चारा सारा दे दिया तो बहुत दानी आदमी है। उसको पता नहीं है कि वो हॉर्टिकल्चर पढ़ के आया हुआ आदमी है, उसको क्या क्या फायदा है, जरा अब हम चर्चा करते हैं। अच्छा पोषक तत्व एक्चुअल में ये तो देखो तना था, ये पोषक तत्व ऊपर जा रहे थे, कहां जाते हैं बताओ? पत्तियों में, भोजन उजन बनेगा, ये सब बड़ा अच्छा से हो रहा था, जीवन यापन चल रहा था। एक दिन पता लगा कि जैसे ही ट्यूबर बना, किसान आया ऊपर की पत्ती हटा दिया, पोषक तत्व तो चले थे हर दिन की भांति, यहां से नीचे से होता हुआ इसकी मोबिलाइजेशन फ्लोएम के थ्रू कहां होना था, ऊपर जड़ से। देखा यार ऊपर तो रास्ता बंद, ऐसे देखा तो ऊपर देखा रे हवा है, पागल गर्दन कटा हुआ, ऊपर तो कोई है ही नहीं, आजकल तो कुछ नहीं दिख रहे हैं इधर। तो ये बोला यार मामला गड़बड़ है, चल नीचे ही चलते हैं, नीचे बैठते हैं। तो नीचे आ जाएगा बैठेगा, आपको पता है सबसे ज्यादा जो संचय प्लांट में होता है ना भोजन का, ये होता है स्टेम में, और दूसरा होता है फूड में, फल में। किसमें होते हैं बताओ? आपने देखा होगा फल में ही भोजन होते हैं, या तो तना में मिलेंगे, दो जगह ही मिलेंगे। अब एग्रोनॉमी में जरूर फल के अंदर बीज है तो संचय कहां हो जाएगा, बीजों में हो जाएंगे। तो एक और लिख देता हूं, कहां पे आपको देखने को मिलेगा बताओ? बीज में। तीन जगह भोजन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये जब न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे तो ये संचय अब कहां होने लगा बताओ? ट्यूबर में। तो ट्यूबर की साइज भी क्या होगी, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये महीना चल रहा है, जानते हो ट्यूबर कब निकालते हैं, जनवरी में, तो उसके 15 दिन पहले महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। कौन सा महीना है बताओ? जनवरी। जनवरी में करते हैं डिहॉल्विंग। अब यहां हम इसके डिहॉल्विंग कर दिए, इसके 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद हम करेंगे तुड़ाई। क्या करने वाले हैं बताओ? तुड़ाई, हार्वेस्टिंग। डिहॉल्विंग के कितना दिन बाद करने वाले हैं तुड़ाई? 15 दिन के बाद हम करेंगे तुड़ाई। तो इसका फायदा बताओ, दिसंबर जनवरी के महीना में सबसे ज्यादा अटैक होता है, जानते हो किसका? एफिड का। किसका होगा बताओ? एफिड, जिसे हम माहू बोलते हैं, और ये लाएगा क्या, वायरस को। किसको लाएगा? वायरल डिजीज। तो वायरल, अगर वायरल से क्या बनेगा पहला, फ्री। अरे एफिड नहीं तो वायरस नहीं। सर एफिड किस पे आते हैं? एफिस अटैक करेगा पत्तियों पे। देखा होगा ना सरसों के भी पत्ती पे लाखों एफिड ऐसे बैठे रहते हैं, आलू पे भी एफिड रहेगा ना, पत्ती ही नहीं रहे, एफिड नहीं रहेगा। पहला फायदा बताओ क्या होगा? एफिड कम। अरे डिहॉल्विंग का फायदा बताओ? एफिड क्या होगा? कम। अगर एफिड कम होगा तो कौन सा बीमारी लेकर आ रहा था ये, विषाणु को, विषाणु रोग भी क्या होगा, कम। पहला फायदा समझ में आया, मेन जो पर्पस होता है वायरस के आक्रमण से बचाना, वो किसका पर्पस है बताओ? डिहॉल्विंग। क्या है? डिहॉल्विंग। अब बताओ ट्यूबर की साइज जो है वो बड़े होंगे या छोटे होंगे? ट्यूबर क्या है बताओ? बड़ा। इसमें बताइए कोई किसी को दिक्कत? अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। कभी नया नया आलू देखा है निकलते, नया माल, एकदम चिकना आलू खेत से निकलते देखा है? खेत से, तो उसके ऊपर जो कपड़ा रहता है ना, देखा होगा कपड़ा एकदम चिपका नहीं रहेगा, दूर दूर रहेगा ये, उसको अच्छा से ऐसे फेंक दे तो वो ऐसे गुस्सा के बोलेगा कपड़ा फट गया मेरा, उसका फट सकता है, पेरिकार्प क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आप ना उसको एक कट्टा में इकट्ठा कर दो और एक बार ऐसे हिला दो, आपस में लड़ा दो सबको, तो सब एक दूसरे का कपड़ा फट जाएगा, यानी पेरिकार्प फट जाएंगे, फट जाएगा ना। अब बताओ अगर किसान नया आलू निकाले और उसको भंडारित करके दूसरे राज्य भेजना चाहे, तो दूसरे राज्य में भेजने के पहले जूट के कट्टा लाना पड़ेगा, जूट में डालेंगे, और आलू का कपड़ा क्या है ऊपर वाला छिलका मुलायम एकदम,
मुलायम है ना, ये ट्रक पे जाएगा, आपस में टकराएगा, वो उसका कपड़ा नोच लेगा, वो उसका नोच लेगा, सारा बिहार जाते जाते नग्न हो जाएगा। अरे कौन आलू आया रे, कपड़ा ही नहीं है उसके ऊपर, सारे के पास छिलका नहीं रहेंगे। तो बताओ मार्केट में मंडी में उसकी कीमत मिलेगी? विज्ञान ने सोचा यार ये बड़ा नुकसान होंगे, सबसे पहले क्या करो, ये पोषक तत्व जो नीचे आ रहे हैं 15 दिन तक जमीन में है, तो 15 दिन तक बोलेगा देख तुझे खाना एक्स्ट्रा दे रहा हूं, पत्तियों को नहीं दे रहा हूं, साइज बढ़ाओ, और जो ऊपर का कपड़ा है पागल ही कमजोर है रे तेरा, इसको मोटा कर थोड़ा, ताकि आपस में ऐसे ऐसे टकराओ ना तो ये फटे नहीं। तो इसको बोलते हैं आलू का पेरीडर्म। क्या बोलोगे बताओ, आलू का क्या है ये बताओ? पेरीडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरीडर्म का होता है क्या? निर्माण। किसका निर्माण होगा बताओ? पेरीडर्म का निर्माण। अच्छा, अगर पेरीडर्म का निर्माण होगा बताओ, तो आलू की कीमत ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? ज्यादा मिलेगा ना, तो इनकम आपको क्या होने वाला है? और इंसान इसीलिए तो पेट के लिए काम करता है भाई, दो पैसा कमाऊं। तो ये हो गया आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट, जिसका नाम है मेरे दोस्त डी हॉलमिंग। क्या है बताओ? तो दोनों टॉपिक समझ में आया, टीपीएस क्या है, डी हॉलमिंग क्या है। टीपीएस क्या होते हैं बताओ? सत्य बीज। सत्य बीज कब बनेगा? जब उसमें फूल लगेंगे, और फूल के बाद क्या लगेगा? फल, और फल के अंदर क्या होगा? बीज। डीहॉल्मिंग क्या होता है? पत्तियों को हटाना क्या कहलाएगा? डीहॉल्मिंग। इसका फायदा कोई पूछ ले या लिखने के आते हैं बीएससी एग्जाम में, लिखने 12th वाले में खूब आता है डीहॉल्मिंग के बारे में, दो लाइन लिखो या दो नंबर का, तो क्या लिखोगे? इसे सो जाना डीहॉल्मिंग। अरे समझो पागल, बाद में तो एक ही दिन पढ़ाऊंगा, लिखने के सब तरीका आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला ऊपर के पत्तियों के भाग हटा देना, वायरस का अटैक क्या होगा? आक्रमण कम होंगे। वायरस का आक्रमण कम होगा, माहू का आक्रमण क्या है? कम। पहले माहू, एफिड, फिर वायरस, क्योंकि ये वायरस को ढोने वाला कौन है? एफिड्स है। तीस और चौथा पॉइंट में ऐसे छोटी छोटी पॉइंट में ट्यूबर की आकार क्या होगी? ट्यूबर ऐसे छोटा, अपना दिमाग लगाना, ट्यूबर के आकार में वृद्धि होगी। थोड़ा शब्दों लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद पेरीडर्म का क्या होगा? निर्माण होगा, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी? ज्यादा। स्वयं की आयु क्या होगी? ज्यादा। और उससे किसानों की इनकम आमदनी वृद्धि होगी। ऐसे थोड़ी सी किसान की आमदनी बढ़ेगा तो राज्य की आमदनी, घर की आमदनी बढ़ेगी, घर की आमदनी बढ़ा तो ब्लॉक की आमदनी बढ़ी, ब्लॉक का बढ़ा राज्य बढ़ा, राज्य बढ़ा देश बढ़ा, देश में ज्यादा आलू निर्यात करेंगे, निर्यात करेंगे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, बेरोजगारी की समस्या दूर। कला कला आना चाहिए पागल, लिखने तिखने के एग्जाम जो 12th बीएससी एमएससी कला होनी चाहिए, पढ़ाएगा तो सब कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन तुम रटते हो, रटो मत। अब आ जाओ यहां, पोटैटो फ्लावर कैसा दिखा रहा हूं बताओ? सफेद। कैसा दिखा दिया? उधर कैसा दिखाया था? बैगनी। सफेद भी फूलों का रंग, इसमें घबराना नहीं है। अब आ जाओ अगला, सीड प्लॉट टेक्निक क्या है? अभी ना वेराइटी का ऐसा एक ट्रिक दूंगा ना कि पूरी आलू की वेराइटी याद कर लोगे, रटना ही नहीं, एक ऐसी ट्रिक जोरदार वाले देने वाला हूं। अब देखो दूसरा, यहां वैज्ञानिकों में दिक्कत करोगे, एक नाम है सीड प्लॉट टेक्निक, और इसके पहले नाम क्या पढ़ा था बताओ? टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। ये क्या नाम है बताओ? सीड प्लॉट टेक्निक। क्या नाम है? सीड प्लॉट टेक्निक। तो ये जो है SPT, क्या नाम है बताओ? SPT। और ये जो SPT है इनको ऐसे ही याद रखना, SPT पूरा नाम बताइए, सीड प्लॉट टेक्निक। क्या है? सीड प्लॉट टेक्निक। ये दिए थे, इसको ऐसे याद रखना, SP नाम सुना? SP। अरे यार SP साहब आ रहे हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस, SP। फिर से बोलो, SP याद रखना है। तो सीड प्लॉट टेक्निक दिया था, पी का मतलब पुष्कर नाथ। किसने दिया था बताओ? ये कंफ्यूजन होते हैं, पी का मतलब पुष्कर नाथ, किन्होंने दिया था बताओ? पुष्कर नाथ। और ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था? ये दिए थे रामानुजन ने। कैसे याद रखेंगे? एस सीड प्लॉट टेक्निक, इसको याद रखेंगे केवल SP। क्या याद रखोगे? SP। सीड प्लॉट को किसने दिया था? पुष्कर नाथ।
और ये उत्तरी भारत में विषाणु रहित बीज पैदा करने के लिए देखो एक ही एम है। कैसा बीज बनाना है? वायरस फ्री। कैसा बनाना है? वायरस फ्री। और जो किससे प्रतिरोध होनी चाहिए, आलू की सबसे घातक बीमारी का नाम क्या है? लेट ब्लाइट और मृदा जनित सॉइल वॉर्म डिजीज से क्या होना चाहिए? बचाव। क्योंकि आलू में सबसे ज्यादा समस्या क्या लगता था? पछेती झुलसा। और इसके बीज को कितने साल तक आप संरक्षित प्रिजर्व रख सकते हो? 2 से 3। किसानों को यह भी नुकसान था क्योंकि हर साल आलू के बीज खरीद के लाना पड़ता था। 50% इनकम किस में लग जाते थे बताओ? बीजों में। तो किसान क्या करेगा, एक बार उसके बीज आ जाएंगे, ट्यूबर बनेगा, उसको 3 साल तक रख लेगा, घर में रख लेगा ना। बाद में समस्या क्या होती थी जानते हो? पहले किसान हम बीज को जैसे ही इकट्ठा करते थे, अंकुरण होने लगता था बीच में, तो बताओ वो उसको हर साल क्या करना पड़ना, लगाना पड़ता था। ये फायदा किस में हुआ बताओ? सीड प्लॉट टेक्निक से। सब मिला के पुष्कर नाथ ने भी एक ऐसा बीज बनाया जो वायरस से फ्री था, पछेते झुलसा से फ्री थे, और उस बीज को 2-3 साल तक हम संरक्षित रख सकते। इतना लिखना है, अगर एक लाइन 2 नंबर के आ जाए, 1 नंबर के आ जाए, तो ये लिखना है। तुम्हें आ जाएगा कि बताओ सीड प्लॉट टेक्निक क्या है, या आ सकता है टीपीएस क्या है, तो ये अपने को आना चाहिए कि दो और एक डी हॉलमिंग। समझने के पॉइंट क्या है? ये 3 पॉइंट जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। डी हॉलमिंग देख लो आप, ट्यूबर निकलने से कितना दिन पहले ये डायरेक्ट बन जाते हैं? 10 से 15 दिन पहले वायुवीय भाग को क्या करना, हटाना। सामान्यता ये भी पूछा गया है कब? दिसंबर के अंतिम सप्ताह पर ये पूछेगा रेड किया हूं, जनवरी के प्रथम सप्ताह। कब करते हैं डीहॉल्विंग बताओ? जनवरी के प्रथम सप्ताह में क्या करोगे? डीहॉल्विंग। डीहॉल्विंग के फायदे बता दिया सारे, सारे फायदे रटे हुए हैं आपको, याद है फायदे? चलो अब आ जाओ इधर से, वैरायटी आपको याद कराना है ना, तो ये भी करा देता हूं। एक ट्रिक लिखो, आप लिखोगे? लिख लो। लिखना जीवन ज्योति नवीन मोती, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर वादशाह अलंकार। चलो बताओ फिर से, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर, अगला कौन है? वादशाह अलंकार। कितने वैरायटी आपने पढ़ लिया बताओ? 8। कितने हो गए? फिर से बोलो एक बार। जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर वादशाह अलंकार। जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर वादशाह अलंकार, इन सब में लगा देना है कुफरी। कुफरी ऐसा, ये कुफरी क्या है? रिसर्च स्टेशन। जैसे मैं बोलू डोरे नगर क्या है? एक मोहल्ला का नाम है, ऐसा है वैसा है, उस एरिया का नाम है कुफरी। क्या नाम है? कुफरी। और ये कुफरी कहां है जानते हो? राजस्थान में नहीं है, ये कहां है? और शिमला कहां है जानते हो? हिमाचल प्रदेश में। कहां है ये? तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। इस राज्य में कई सारे क्या होंगे? शहर होंगे, जैसे उदयपुर जयपुर भीलवाड़ा है ना, वैसा ही शहर के नाम क्या है बताओ? शिमला। अब उदयपुर में भी छोटे छोटे जगह होंगे, तो उन छोटकिनिया जगह का यहां से नाम बना देता हूं। यहां पे ये जो जगह है इसका नाम क्या है? कुफ। समझ में आई बात है? अब कुछ, अरे कुछ समझा कि ऐसे चुई मिला दी? ठीक है। क्या है? कुफरी। हमें ऐसे नहीं पढ़ाते थे रे, तो मुझे लगता था ये है क्या, इसलिए मैं पढ़ाता हूं कुफरी। अब सब में जोड़ दो के कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी नवीन, कुफरी मोती, कुफरी कुंदन, ये छोड़ देना, ये सब जोड़ देना। अब आ जाओ काम की बातें। ये जो नाम है ना कुफरी बादशाह, ये आया हुआ है मल्टी लाइन रेसिस्टेंट वैरायटी, मल्टी लाइन डिजीज रेसिस्टेंट।
मल्टीलाइन बीमारी प्रतिरोध, बीमारी प्रतिरोध, कोई भी बीमारी नहीं होगा आपको, नाम ही है क्या, वात्सा। चाहे पछेती झुलसा ले ले, अगेती झुलसा ले ले, और ये जो आठ की आठ लिखा हो ना, ये सारे है पछेती झुलसा प्रतिरोध। क्या नाम है इसका बताओ, पछेती झुलसा प्रतिरोध। कोई एक नाम बोले तुम आठ बोलना है उसको, खुद ही अकबका जाएगा वो। लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट, आलू की सबसे घातक कौन सी बीमारी है बताओ, लेट ब्लाइट। कौन है, लेट ब्लाइट। तो उसी के लिए हमें रेसिस्टेंट बनाना पड़ेगा या नहीं, तो हमने रेसिस्टेंट बनाया, उसका नाम क्या है बताओ, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार। फिर से बोलो, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है बताओ, नाम ही है क्या, बादशाह। कौन सा नाम है, कभी कभी एग्जाम में आएगा कि बताओ भाई बादशाह, खुफरी बादशाह किसकी वेराइटी है, तो क्या है, आलू। खुफरी कोई बोलेगा नहीं क्योंकि तुझे पता है। अब इनमें से तीन चार पॉइंट और मैं आपको स्टार लगाता हूं, जरा देखें क्या है। अशोक अति शीघ्र यानी अगेती, अशोक कौन सी वेराइटी है बताओ, अगेती, ये आया हुआ। अशोक कौन सी वेराइटी है, अगेती। एक और याद रखना तो चंद्रमुखी, ये दो वेराइटी याद रखना जो अगेती है, कौन कौन, खुफरी अशोका और खुफरी चंद्रमुखी, खुफरी अशोका और खुफरी चंद्रमुखी। कौन आते हैं एग्जाम में, अशोका, और अशोका अ से अशोका, अ से अगेती, अ से अशोका, अ से अगेती, अ से अशोका, अ से कंप्लीट, बस। अब आ जाइए अगला जो वेराइटी की बात करेंगे वो है मीडियम, मध्यम अवधि वाले। कौन सा बात करेंगे, मध्यम। तो ये देखो कौन है, बादशाह नहीं याद रखना, स्वर्णा नहीं, केवल ये शीतमान, नाम से नहीं लग रहा है, शीत ठंडे प्रदेश के लिए उपयुक्त, उसका नाम क्या है बताओ, शीतमान। कौन है, शीतमान, बादशाह। अब देखो बादशाह है तो चमत्कार करेगा, इसके पास सोना ज्यादा होगा, ये तीनों याद रखना। बादशाह है तो क्या करेगा, चमत्कार, और बादशाह के पास तो सोना होना खूब है पागल, तो ये सब सब मध्यम में है, बादशाह, स्वर्णा और कौन, चमत्कार, ये सब सारे कहां है, मध्यम में। ऐसे कोई नहीं पूछेगा मध्यम उद्यम, केवल अगेती अशोका वाले। पछेती वेराइटी कौन है, खुफरी सिंदूरी। कौन सा है, सिंदूरी। सिंदूरी को ध्यान रखना थोड़ा सा, ये लाल वाले जो आलू, लाल लाल आलू आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सिंदूरी। डिहाइड्रेटेड फ्लैग एंड केनिंग में उपयोग किया जाता है, डिब्बा बंदी में कौन सा आलू, तो ये स्टार लगाना, डिब्बा बंदी के लिए कौन सा आलू का उपयोग करते हैं, तो सिंदूरी। कौन है, सिंदूरी। डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है निजरलीकरण, जल को निकालना, जर्मीकरण नहीं, जरलीकरण, निजरलीकरण। खुफरी देवा, प्रोसेसिंग याद रखो, प्रोसेसिंग, अरे चिप्स उप्स बनाने के लिए, नाम ही है चिप्स सोना। चिप्स बनाओगे किससे, चिप्स सोना से। चिप्स किससे बनाएंगे, चिप्स सोना, कंप्लीट हो गया। चिप्स किससे बनाएंगे, चिप्स सोना। अब आगे बढ़ जाओ, पछेती झुलसा रेसिस्टेंट मैंने करा दिया, कौन कौन है, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह, हो गए कंप्लीट। किसके लिए रेसिस्टेंट है बताओ, अब लास्ट बात करेंगे गोल्डन निमेटोड रेसिस्टेंट, सिस्ट निमेटोड में दो याद रखना, स्वर्णा, तुम्हें याद करवाया था जानते हो, स्वर्णा, स्वर्ण के जैसा, गोल्डन, आलू पीला, कौन सा निमेटोड, गोल्डन निमेटोड, और कौन सा प्रतिरोध, स्वर्णा, सारे स्वर्ण एक ही जगह, आलू स्वर्ण पीला दिखेगा। निमेटोड कौन है, गोल्डन निमेटोड। प्रतिरोध वेराइटी का नाम क्या है, स्वर्णा। प्रतिरोध कौन है, स्वर्णा। कौन है, स्वर्णा। तो ठीक है, स्वर्णा, बादशाह, देवा, ये सब मैं बताया, इन सब एक जैसे, स्वर्णा, हो गया कंप्लीट। बताओ ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, खुफरी स्वर्णा, स्वर्णा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, निमेटोड के लिए। फिर से बोलो, कौन सा निमेटोड मैंने बोला था, गोल्डन। गोल्डन का मतलब क्या होता है, स्वर्ण। कौन सा वेराइटी, स्वर्णा। कौन सा वेराइटी, स्वर्णा, गोल्डन स्वर्णा, मिल जाएगा। चलो अब आ जाइए अगला, ये मैं करवा दिया हूं, फिर भी आपको एक रिवीजन लेकर आया हूं कि चलो ऊपर ऊपर से एक पॉइंट और करा देता हूं। सबसे घातक अगर बीमारी के नाम मैंने बोला था तो वो बीमारी क्या है बताओ, जल्दी से
वो है नाम, दिख नहीं रहा होगा मैं लिख देता हूं, कौन सा है बताओ? लेट ब्लाइट। क्या है? लेट ब्लाइट। मैं पहले करवा दिया हूं। इसका नाम क्या है? पछेती झुलसा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि आलू के दो बीमारी का नाम पूछ बताओ, तो क्या क्या लिखोगे बताओ? एक तो पछेती झुलसा और दूसरे का नाम है वार्ट। क्या है? WART, वार्ट। पहले कराया हूं बीमारी में, कौन कौन कराया हूं बताओ? वार्ट। अच्छा, ये आलू लगे हुए थे उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मैंने कराया था, आलू में नीचे नीचे ऐसा ऐसा लग जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वार्ट। क्या बोलते हैं? और ये वार्ट किससे होता है? कवक से होते हैं। किससे होते हैं? कवक। और कवक का नाम क्या लिखा था? सिनक्राइट्रिकम। सिनक्राइट्रिकम लिखा हुआ अपने सार में, इंडोबायोटिकम। इंडोबायोटिकम, इंडोबायोटिकम। और ये वार्ट वाले सबसे ज्यादा नुकसान कहां करते हैं बताओ? वेस्ट बंगाल। और कौन सा रीजन? दार्जिलिंग में। कहां करेंगे? दार्जिलिंग। पढ़ा चुका हूं ट्यूबर बॉर्न डिजीज, दार्जिलिंग रीजन लिखा हुआ है। मोस्ट सीरियस डिजीज कौन है बताओ? नाम क्या है? लेट ब्लाइट। और लेट ब्लाइट किससे होता है? पाइथोपथोरा इन्फेस्टांस। क्या नाम है बताओ? पाइथोपथोरा इन्फेस्टांस। थोड़ा कम दिख रहा होगा पर मैं ये पढ़ा चुका हूं जान के, खाली ये तो स्कैन करके दे दिया है, बुक से डाल दिया हूं एक, कि मुझे लगता है एक रिवीजन हो जाए बस आपका। अब आ जाओ कुछ बीमारी और बोल रहा हूं, देखो आप कौन कौन है, मैं यहां लिख देता हूं। ब्लैक स्क्रब लिख देता हूं आपको, ब्लैक SCURF स्क्रब, ब्लैक स्क्रब। केवल याद रखना किससे होता है? कवक से। किससे होते हैं? कवक से। अगला ड्राई रॉट, ड्राई रॉट, ड्राई रॉट, ड्राई रॉट। इसी को ब्लैक रॉट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक रॉट। लिख दूं इधर, ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट। ये किससे हैं बताओ? फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम क्या है? कवक। और ये तीन स्टार लगा के लिखना, ये आलू में बहुत बार पूछते हैं, भंडारण के लिए उपयोग है, भंडारण। ड्राई रॉट, ब्लैक रॉट, नाम इंग्लिश में ही लिखना है सब, ड्राई रॉट। हिंदी में कोई ना पूछेगा तुझे। सॉफ्ट, देखो हिंदी में भी ऐसे आ जाते हैं लिखा हुआ, सॉफ्ट रॉट, सॉफ्ट रॉट, सॉफ्ट रॉट, सॉफ्ट रॉट। इसमें फंजाई नाम याद जरूर रखना, इर्विनिया। केवल आप याद रख लेना इर्विनिया स्पीसीज। अरे आलू का कट्टा कभी लाए हो? उसमें देखा होगा कट्टे में तीन चार आलू बिल्कुल सड़े हुए निकल जाते हैं, कौन है वो? सॉफ्ट रॉट। आलू को दुकानदार रखा होगा ना भंडारण में, तो तीन चार आलू एकदम बदबू देता है सड़ा हुआ, कौन है? सॉफ्ट रॉट। और इर्विनिया जो है ये बैक्टीरिया है, इर्विनिया फंजाई है, बैक्टीरिया है इर्विनिया क्रोटोबोरा। सॉफ्ट रॉट पेनिसिलियम, इर्विनिया बैक्टीरिया, ऊपर लिखा है फंजाई है, बीच बीच में चू चू करके ना और गलत करवा देती है हमें। चले बैक्टीरियल विल्ट कर लिया। पोटैटो स्कैब, कभी कभी छोटी छोटी बात ऐसे दिमाग में एकदम सोचो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। स्कैब SCAB। चले आ गया स्कैब। ये किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से, स्ट्रिप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से। वार्ट आ गया, वार्ट। देखो अब क्या प्रश्न बनते हैं, मैं तुम्हें बस एक स्टार लगवा देता हूं ये वाले, ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, सॉफ्ट रॉट और ड्राई रॉट, सॉफ्ट रॉट और ड्राई रॉट। ड्राई रॉट का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक रॉट। क्या नाम है? ब्लैक रॉट। नहीं है मेरे पास, घर पे ही होगा ब्लैक रॉट। क्या अब देखो तुम गलती कहां करोगे, आ जाओ यहां, गलती करेंगे कहां पे एक बार देख लेते हैं फटाफट। आप देखें, एक तो मैंने लिखाऊंगा कोल क्रॉप, कहां गलत करोगे? कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में अगर पूछा जाए ब्लैक लेग किससे होते हैं बताओ जल्दी? लेग, मैंने याद कराया था LEG लेग, लेग का मतलब फंजाई, ये जी और जी करवाया था ना, ऐसे आप लिख लेना भाई, कंफ्यूजन देखो क्रिएट होंगे। और ब्लैक रॉट किससे होता है? ब्लैक रॉट,
ये किससे होते हैं बताओ? बैक्टीरिया। पर कोर्न क्रॉप की जगह मैं चर्चा कर रहा हूं, आप जानते हो किसका? पोटैटो का। देखो आदमी कितना कंफ्यूज हो जाएगा। अब ये पूछ लूं, ब्लैक लेग, ब्लैक लेग, तो ये याद रखना बैक्टीरिया से। ब्लैक लेग क्या है भाई बताओ? बैक्टीरिया से। और यही जो ब्लैक लेग है ना, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट रॉट। क्या बोलते हो इसको? दूसरा नाम क्या बोलते हो बताओ? सॉफ्ट रॉट। इसको आप ऐसे ही लिखना। अब दूसरा बात मैं कहां कर रहा हूं, ब्लैक रॉट। क्या नाम लिख रहे हैं बताओ? ब्लैक रॉट। आपको इधर दिखा भी देता हूं जान के। ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट, ड्राई रॉट किससे हो रहे हैं? कवक से। इधर आ जाओ, क्या लिखोगे बताओ? कवक। जैसे मैं पढ़ाया हूं वैसा ही ट्रिक याद रखना, नहीं तो एग्जाम में फुल्ली कंफ्यूजन, चारों के चारों तुझे लगेंगे कौन बैक्टीरिया थे, कौन किससे था, दिक्कत होंगे। पर इसका दूसरा नाम क्या लिखोगे बताओ? ड्राई रॉट। क्या है नाम बताओ? ड्राई रॉट। तो इसके चारों क्वेश्चन ये बनते हैं बड़ा अच्छा। ब्लैक लेग केवल याद रखना है किससे होते हैं। कवक में एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो कौन सी स्पीसीज है? फ्यूजेरियम। कौन सा है बताओ? और ये कौन है? इरविनिया, इरविनिया क्रोटोवोरा। क्या नाम है बताओ? इरविनिया क्रोटोवोरा। चले आगे बढ़ जाएं। आप स्क्रीनशॉट ले लियो इसको आराम से। फिर से बताओ कैसे याद रखोगे? सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया हूं बताओ? बीमारियों में कोल क्रॉप। कोल क्रॉप का मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। उसमें आ जाए लेग तो कैसे याद रखेंगे? फंजाई। दूसरा आ जाए ब्लैक रॉट, तो एक फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया। अब जैसे ही पोटैटो आए तो अलग कहानी सोचना है। ब्लैक लेग फंजाई से नहीं है, बैक्टीरिया से। ब्लैक रॉट बैक्टीरिया से नहीं है, किससे है? उल्टी मामला चल रहे हैं ना सारे चीज, ये ध्यान में रखना। कर लोगे? चार पांच क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है। जानते हो मैं इतनी बार पढ़ाता हूं तो एग्जाम में गलत करके आता हूं। कितनी बार पढ़ाता हूं फिर भी गलत होते हैं, लगता है यार क्या लिखाया था रे, खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। अब तुम तो अभी पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए गलत हो जाएंगे यहां पे। अब आ जाओ, एक दो और नाम लिखना है। इतनी करना है कि बस जितना कोई ने किया अपने बस छूटे नहीं क्वेश्चन, कहीं से पूछे। लीफ रोल छोड़ देना, फेंट मोजाइक लिख देना। ऐसे लिख रहा हूं FAINT, फेंट मोजाइक। फेंट मोजाइक किससे संबंधित है? मोजेक। वायरस में कौन सा मोजाइक बताया हूं बताओ? फेंट मोजाइक। इसको PVX एंड PVS के नाम से भी जानते हैं। वायरस बीमारी का नाम तो है फेंट, लेटेंट, लेटेंट फेंट, लेटेंट फेंट, दोनों नाम लिखना। लेटेंट फेंट, कौन सा मोजाइक बोला हूं? लेटेंट मोजाइक, फेंट मोजाइक। पूछेगा किससे संबंधित है? आलू से। लेटेंट मोजाइक, फेंट मोजाइक किससे संबंधित है? आलू। इसका वायरस का नाम भी पूछा हुआ है। वायरस का नाम PVX एंड PVS। सीवियर मोजाइक छोड़ देना, मोजाइक का मतलब वायरस ही होता है। और सबको ढोने वाला कौन है पता है? एफिड। कौन है? एफिड। अब मैं आपको पेस्ट की बात बता रहा हूं बताओ। पेस्ट, आलू के दो पेस्ट याद रखना है। एक तो याद रखना कट वॉर्म। क्या याद रखेंगे बताओ? कट वॉर्म। कट वॉर्म का नाम याद रख लेना, एग्रोटिस। स्पीसीज कर दो आप तो कोई नहीं। इप्सिलॉन होते हैं, टॉन नहीं, लॉन, इप्सिलॉन। ठीक है, अगला पोटैटो ट्यूबर मॉथ। सबसे ज्यादा नुकसान ये करता है, कम से कम एग्जाम में ये जरूर आ सकता है। एफिड, कटवॉर्म, सबसे ज्यादा आलू को कौन नुकसान करता है? ये आया हुआ है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। कौन करते हैं बताओ? पोटैटो ट्यूबर मॉथ। कितना प्रतिशत? 70% तक डैमेज करता है, जिसका नाम क्या है? पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ट्यूबर मॉथ भी आते हैं, ट्यूबर मॉथ हिंदी में ऐसे लिख देगा और क्या, इसको तो कोई चेंज थोड़े करते हैं। देखो ट्यूबर मॉथ लिखा रहेगा, सेम है। बताओ आलू की सबसे घातक बीमारी कौन है? पछेती झुलसा। कौन है? पछेती झुलसा। किससे होते हैं? कवक से। और कवक का नाम क्या है? पाइथोप। प से पछेती, प से पाइथोप थोरा इन्फेस्टांस। क्या है? पाइथोप थोरा इन्फेस्टांस।
लेंट या फेंट मोजाइक किससे संबंधित है बताओ? आलू से। किससे है? आलू। दो पेस्ट का नाम बताओ, कटवॉर्म और ट्यूबर मॉथ। कटवॉर्म और ट्यूबर मॉथ, ठीक है। और निमेटोड एक पेस्ट में, एक और कौन निमेटोड याद रखोगे बताओ? गोल्डन निमेटोड। आलू कैसा होता है? सुनहरा। तो कौन सा निमेटोड, कौन से सूत्र कृमि की चर्चा करेंगे तो उसका नाम क्या है? गोल्डन निमेटोड। कौन सा निमेटोड है? गोल्डन निमेटोड। और गोल्डन निमेटोड की रेसिस्टेंट वेराइटी मैंने बताया था स्वर्णा। कौन सी वेराइटी होगी बताओ? स्वर्णा। और आगे क्या जोड़ दोगे? कुफरी। कुफरी स्वर्णा। और एक और लिखा था कुफरी देवा। कौन सा था? कुफरी स्वर्णा और कुफरी देवा। कुफरी स्वर्णा और कुफरी देवा। कुफरी स्वर्णा, कुफरी देवा। डिसऑर्डर में आपको मैंने बता दिया है बताओ क्या क्या डिसऑर्डर पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं ऐसे रिवीजन करा रहा हूं। क्या है था तो ग्रीनिंग, क्या है बताओ? ग्रीनिंग। आलू कैसा होगा? हरा हरा। इंटरनल ब्राउन ब्राउन स्पॉट, धब्बा, भूरा धब्बा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूरा धब्बा। किसके कमी के कारण हुआ था? बोरॉन। उसके बाद ग्रीनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, सोलेनिन के जमाव के कारण। किसके कारण आया था बताओ? सोलेनिन के क्या हुआ था? जमाव के कारण आलू कैसा हो गया था? हरा हरा। और इसकी कंट्रोल के लिए हमने क्या किया था? उस पर मिट्टी चढ़ा दिए थे। क्या किए थे? मिट्टी। ब्लैक हर्ट, इंपॉर्टेंट, ब्लैक हर्ट मैंने आपको दिखाया था। हृदय आलू का कैसा हो गया था बताओ? काला। आलू कैसा हो गया था? काला। किसके कारण हुआ था? उचित भंडारण नहीं करते थे, उसके कारण हृदय कैसा हो गया था? काला। हॉलो स्टेम की बात किया था, हॉलो हर्ट। क्या बात है बताओ? हॉलो हर्ट, यानी बड़का आलू कैसा था? खोखला। किसके कारण था? अधिक नाइट्रोजन के कारण ये कैसा हो गया था? खोखला। चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी की चर्चा कर चुका हूं। चिलिंग इंजरी को कंट्रोल कर सकते हैं पर फ्रीजिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? माइनस में। और इसमें टेम्परेचर होते हैं 10 डिग्री से कम। ज्यादा नुकसान कौन देता है आपको बताओ? फ्रीजिंग इंजरी। कौन सा है? फ्रीजिंग इंजरी। चलो ये आलू आपका हो गया संपूर्ण समाप्त। चले आगे, 5 मिनट आपने पास वक्त है और हम करेंगे इसका जोरदार रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन। आ जाओ। अब ये लिखाक पढ़ाता हूं तो कम से कम 3 दिन। कितने दिन लगते ये? 3 दिन की क्लास। ऐसे टीचर लोग टाइम पास करते रहते हैं। अरे लिखे हुए दोनों बच्चों के पागल। बताओ आलू में कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च। किस रूप में पाए जाते हैं? फेरिना। किस रूप में पाए जाते हैं? अच्छा ये जो आलू दिखा रहा हूं बीज आपको, ये कैसा बीज है? सत्य बीज। क्या है? सत्य बीज। आलू में क्या लगेंगे? फूल। और क्या लगेगा? फल। फल कैसा होगा? बेरी। गुच्छे में लगेंगे उसको क्या बोलोगे? बेरी। अच्छा इसका बीज दर एग्जाम में पूछता है कितना होगा? 100 से 150। और ट्यूबर से लगाएंगे तो कितना होगा? 20 से 25। एक्चुअल में जो ट्यूबर है वो क्या है बताओ? तना है। क्या है वो? तना। अच्छा ट्यूबर वाले कितने क्रॉप है? आलू है, शकरकंद है, कसावा है, रतालू है, जमीकंद है, अरवी है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं बताओ? कसावा में। आलू में कितना पाया जाता है? 22 से लेकर 24। अच्छा आलू में अगर पूछा जाए वसा कितने पाए जाते हैं? आलू में वसा, केवल बात कर रहा हूं किसका? पोटैटो की। किसकी बात कर रहा हूं बताओ? पोटैटो। तो पोटैटो में एक प्रश्न बड़ा अच्छा बताया हूं कि पोटैटो में पाया जाता है विटामिन सी। क्या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? विटामिन सी। अच्छा पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो अभी आपने बोला 22 से लेकर 24%। अगर पोटैटो में वसा पूछा जाए तो केवल पाए जाते हैं 0.5%। कितना? 0.5। अगर पोटैटो में प्रोटीन पूछा जाए तो पाए जाते हैं 1.7%। कितने पाए जाते हैं? 1.7%। तो ये छोटी मोटी कुछ चीजें और नोट करना है तो आप कर सकते हो। आपको अगर अभी कम लग रहा होगा मटेरियल तो और लिख सकते हो। देखिए आप, कौन सा विटामिन पाया जाता है आलू में बताओ? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? अच्छा आलू में क्या चीज की कमी है? वसा। वसा कम पाए जाते हैं। सब्जियों में वसा ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप सब्जी दबा करके खाओ, मोटा नहीं होंगे। मोटा होते हम केवल आलू से, क्योंकि इसमें क्या है? स्टार्च। क्या है? देखते हो गेहूं खाने से हम मोटा हो जाते हैं। हाँ गेहूं से सर, गांव में तो इतना ही बोलते हैं, हम तो केवल रोटी खाते हैं। तो रोटी खा रहे हो, 12-13 रोटी खा जाते हो पागल।
रोटी खाने का कितना है? दो चार रोटी खाया, 14 रोटी, 15 रोटी, उसके बाद भी। ये कई लोग कहानी यहाँ करते हैं राजस्थान में कि जो जाट होते हैं ना वो ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हो रे, ये बित्ता से नाप लेते हैं कि रोटी की ऊंचाई कितना है। उसके बाद एक सर आए थे कोई, बोले हम हॉस्टल में ऐसे खाते थे, ऐसे ऐसे रोटी को ऐसे नाप लेना है कि अच्छा इस एक बित्ते में जितने रोटी आ रहे हैं उसके कैप्चर में वो खा जाना है। राक्षस प्रजातियों के लोग इधर है। आ जाओ, सब्जियों का राजा कौन है बताओ? आलू। कौन है रानी? रानी कौन है? भिंडी। पहला क्रॉप कौन है विश्व में? गेहूं। सेकंड कौन है? चावल। थर्ड कौन है? फोर्थ कौन है? अच्छा आलू डाइकोट है या मोनोकोट? कैसा है? डाइकोट। अच्छा स्टेबल फूड कहाँ का है? अच्छा पछेती झुलसा के कारण आयरलैंड में अकाल का कारण बना था, याद है ना? और कब बना था ये? ईस्वी कौन था? 1845। कौन सा ईस्वी था? पछैती झुलसा के कारण आयरलैंड में अकाल का कारण बना था। 85% आलू किस एरिया में होते हैं बताओ? नॉर्थ इंडिया में। जीडीपी में कितना योगदान है? 2.87। पहला राज्य कौन है? तो यो यूपी। और कौन है? वेस्ट बंगाल। देश में कौन है बताओ? चाइना। देश में चाइना। लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट सोलेनम क्या है? डेसमिसियम, याद रखना। और टीपीएस को क्या बोलते हैं बताओ? बोटनिकल सीड। क्या है? बोटनिकल सीड। कोल्ड स्टोरेज में कितने डिग्री पे? 2 से 4। इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर कहाँ है? लीमा में। कहाँ है? लीमा। और लीमा कहाँ है? पेरू। लीमा कहाँ है? पेरू में। सब्जियों का राजा हो गया। प्रवर्धन किसके द्वारा? आलू के द्वारा। किसके द्वारा? आलू के द्वारा। इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका उपयोग? थायो यूरिक। और कहाँ कहाँ? कॉर्म में, बेर में, बल्ब में। ट्यूबर की अच्छी ग्रोथ के लिए कितना डिग्री पे? 17 से 19 डिग्री। ट्यूबर की औसत वजन कितनी होती है बताओ? 45 से 50। कितना? 45 से 50। 32 डिग्री के तापमान पे क्या कंद का निर्माण होगा? नहीं होगा, बंद हो जाएगा। कितने एफिड हो जाएगा कि खेत में नियंत्रण करना है? 20। कितने हो जाए? 20। अच्छा ये ल्यूटियो वायरस किससे संबंधित है बताओ? आलू से। किससे है? आलू से। भंडारण कितने डिग्री पे आलू के करेंगे? 15 से 20। मिट्टी कितने दिन में चढ़ाओगे आलू का? 40 डिग्री। जैसे आज आपने बुआई किया तो कितने दिन में मिट्टी चढ़ाएंगे? 40 दिन में। चलो आगे, सत्य आलू बीज किसने दिया था बताओ? सीपीआरआई। अच्छा ये मैंने आगे करवाया है ना। किसने दिया था? ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं, वनस्पतिक बीज हो गया। डायरेक्टर कौन थे बताओ? रामानुजन। और इन्होंने क्या बताया था कि इससे क्या बनते हैं? बीज, सत्य बीज। डीहॉल्मिंग के क्या फायदा है? एफिड कम होगा, विषाणु कम, ट्यूबर बड़ा, पेरिडर्म का निर्माण, इनकम क्या होंगे? ज्यादा। अब डीहॉल्मिंग की समस्या, सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया था? पुष्करना। क्या बताया इन्होंने कि इससे क्या बनाएंगे? विषाणु रहित, पछेती झुलसा रेसिस्टेंट बनेगा, मृदा जनित बनेंगे। और इसकी बीजों को कितने दिन तक हम संरक्षित रख सकते हैं? 2 से 3 साल तक। डीहॉल्मिंग में क्या करते हैं बताओ? ट्यूबर निकालने के 10 से 15 दिन पहले ऊपर वाले भाग क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीहॉल्मिंग। महीना कौन होगा बताओ? जनवरी के प्रथम वीक में होंगे। वेराइटी आपको बात कराया हूं, अगेती में दो याद रखना है, अ से अगोती, अ से अशोका और चंद्रमुखी। अशोका और कौन है? चंद्र। मध्यम में आपको याद, अच्छा 8 वेराइटी और याद रखा, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार। जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह, ये सब सारे क्या है? पछेती झुलसा रेसिस्टेंट वेराइटी है। मध्यम में कौन याद रखा? बादशाह, चमत्कार और कौन है? स्वर्णा। शीतमान कैसे है बताओ? ठंडे प्रदेश के लिए। सिंदूरी कैसा है? निजरलीकरण, पानी को निकालने के लिए। डिब्बा बंदी के लिए किस वेराइटी का उपयोग किया हुआ है? सिंदूरी। अच्छा चिप्स किससे बनता है? चिप्सोना से। किससे बनते हैं? चिप्सोना से। पछेती झुलसा करा दिया। निमेटोड के लिए रेसिस्टेंट, गोल्डन शब्द, स्वर्णा, गोल्डन स्वर्णा, गोल्डन स्वर्णा। और इंपोर्टेंट बीमारी की बात किया, पछेती झुलसा क्या है? पाइथोपथोरा इन्फेस्टांस। वाट ज्यादा कहां होता है बताओ? वेस्ट बंगाल में। कहां होता है ज्यादा? वेस्ट बंगाल में। अगर ड्राई रॉट और सॉफ्ट रॉट की बात किया है तो वो किससे होते हैं? कवक। और इरविनिया क्रोटोवोरा जो हमने बात किया है वो किससे किया है बताओ? सॉफ्ट रॉट। किसका बात किया हूं? सॉफ्ट रॉट। तो एक कवक, ड्राई रॉट कवक, और सॉफ्ट वाले आ जाए तो ये किससे हैं बताओ? इरविनिया। स्कैब बैक्टीरिया से। स्कैब किससे? और ये वाले कंफ्यूजन वाले आप अच्छे से इसको लिख लेना, ठीक है? इसको सेव कर दूं और भेज दूंगा। और वायरस में बात करें तो लेटेंट और फेंट, और पेस्ट में बात करें तो कट बॉम और कौन है?
ट्यूबर मौत। सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा? ट्यूबर मौत। और निमेटोड की बात करें तो कौन है? गोल्डन निमेटोड। कौन सी बात किया? गोल्डन। और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर की बात करें तो ब्लैक हार्ट, होलो स्टेम, ये सब सारे इमेज से मैं दिखा चुका हूं आपको, दो तीन बार इसको हम क्या किए, दिखा चुके हैं। तो ये हो गया टॉपिक आपका समाप्त। सीना दर्द करा दिया रे तू लोग। अब लाइव वाले बंद कर दूं नहीं तो मैं ही मर जाऊंगा। ये क्या आ रहे हैं दोनों में? तो मल्टी लाइन अभी बताया ना गुड़िया, सब में आएंगे, एस्केप में भी आएगा बादशाह। मल्टी लाइन का मतलब बहुत बीमारियों के प्रति रेसिस्टेंट होंगे, सब बीमारी के प्रति। नाम ही है बादशाह पागल। चले बुलडोजर बाबा का कहना है, बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी, पहले पागल किया फिर पागल कहा फिर पागल, क्या बोला रे, डिलीट ही कर दिया। बस 55 लाइक, ये लोग को तो फ्री फंड पढ़ाने में डर लगता है। अशोक थैंक यू सर, जयपाल डामोर, एआरएस चौधरी थैंक यू, सोनाली, राकेश प्रजापत, एक बार कमेंट में तो तुम लोग बताया करो कैसा लगते हैं, बस मैं लास्ट में कमेंट ही देखता हूं। अभी किसकी क्लास है तुम्हारे? एंटो की एप्लीकेशन पे। अरे लाइक से ये लगता है उससे अपनी कॉन्फिडेंस आता है, लगता है यार टीचर सही पढ़ाया, और क्या पैसे थोड़े मिलते हैं मेरे को लाइक में, ऐसे लगता है फालतू भाषण दे रहा हूँ यूट्यूब पे।